Hello everyone, this is Saurabh once again from VidyaMandir Classes, and in today's session we will be discussing about JEE Main's specific topics, the questions which has been asked in JEE Main January session conducted by National Testing Agency. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो फिजिक्स ही एकमात्र सबसे ज़्यादा तीनों सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे कि क्लासिकल मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, और जो है क्या कहते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, फोर्स ऑक्सीलेशन, दीज जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स फिजिक्स के अंदर हैं। और अगर हम लोग पिछले कुछ साल के पेपर्स को देखते हैं या जनवरी सेशन के भी सारे पेपर्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि अच्छे खासा वॉल्यूम इसमें से पूछा गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 10^19 पर मीटर क्यूब and their mobility is 1.6 meter square per volt second, then the resistivity of the semiconductor is close to। ये पहला क्वेश्चन करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दिस इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो हम होल्स का डेंसिटी को बेसिकली इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कंडक्टिविटी इज गिवन बाय एन ई म्यू, वेयर एन इज नंबर डेंसिटी, ए इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड म्यू इज मोबिलिटी। तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी होगी 1/ एन ई म्यू, और सिंपल कैलकुलेशन से आपको आंसर मिलेगा 0.4 ओम मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 mHz ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय 6.3 J cap वोल्ट पर मीटर, द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट विल बी। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है और आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पता करना है। तो आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा 6.3/3 × 10^8 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि वैल्यू होगी 2.1 × 10^-8 टेस्ला। Now next question, in a communication system operating at wavelength 800 nanometer, only 1% of source frequency is available as signal bandwidth. The number of channels accommodated for transmitting TV signals of bandwidth 6 mHz are. इस question के अंदर आपको velocity of light is given, Planck's constant की value given है, और आपको ये बताना है कि TV signal के कितने bandwidth accommodate हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे बड़ी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि पूरा का पूरा बैंडविड्थ जो अवेलेबल है उसमें जितने भी सिग्नल्स हों वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, एंड सिंगल बैंडविड्थ इज गिवन बाय सिंपली 1/100 ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप सिंपल कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आप यहाँ पे सेफली ट्रांसमिट कर सकते हैं वो होंगे 6.25 × 10^5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टेंस हैज अ फॉलोइंग कलर कोड, दैट इज ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड गोल्डन। सो आपको पता है कि शुरुआत के जो दो कलर कोड्स होते हैं वो बेसिकली फिगर बताते हैं, थर्ड जो कलर कोड होता है वो पावर बताता है, और फोर्थ टॉलरेंस। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फर्स्ट कलर कोड इज ग्रीन, सो फर्स्ट डिजिट शुड बी 5 कोरिस्पॉन्डिंग टू ग्रीन, एंड सेकेंड कलर कोड इज ऑरेंज, सो सेकेंड डिजिट शुड बी 3 कोरिस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज, पावर ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी 4 कोरिस्पॉन्डिंग टू येलो, एंड टॉलरेंस कोरिस्पॉन्डिंग टू गोल्ड इज ±5%। सो आंसर शुड बी 530 kΩ ±5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 volt एंड 0.7 volt रेस्पेक्टिवली। इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाय। क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप शुरुआत में देखें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही आपको फॉरवर्ड बायस में दिखाई देंगे, लेकिन पहली बार में अगर आप देखें तो जर्मेनियम
0.3 वोल्ट पे ही कंडक्शन शुरू कर देगा, तो बेसिकली सारा का सारा करंट ऊपर वाले सर्किट से जाना शुरू होगा. सो बेसिकली वोल्टेज इन फर्स्ट केस इज गिवन बाय 12 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द जर्मेनियम, दैट इज 11.7 ओम. इन सेकेंड केस जर्मेनियम इज रिवर्स बायस्ड, तो उस केस में सिलिकॉन फॉरवर्ड बायस्ड होगा और 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो सारा का सारा कंडक्शन नीचे वाले सिलिकॉन डायोड से हो रहा होगा. सो इन दैट केस वोल्टेज शुड बी 12 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिलिकॉन, दैट इज 11.3. सो बेसिकली वोल्टेज डिफरेंस इन बोथ द केसेस इज 0.4 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर. क्वेश्चन इज अ टीवी ट्रांसमिशन टावर हैज अ हाइट ऑफ 140 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटेना इज 40 मीटर. What is the maximum distance up to which signals can be broadcasted from this tower in LOS mode, that is line of sight mode? So, क्या होता है कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं लाइन ऑफ साइट मोड में, तो सिग्नल्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंटेना से रिसीविंग एंटेना तक जाता है और बीच में अर्थ का सरफेस इंटरेंस नहीं आना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर आप ट्रांसमिशन टावर एंड रिसीविंग टावर के टिप्स को ज्वाइन करें तो वो अर्थ को टच करता हुआ एक टैंजेंट होना चाहिए. एंड वी कैन शो बाय अ सिंपल कैलकुलेशन दैट दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज गिवन बाय रूट ऑफ 2 HTR प्लस रूट ऑफ 2 HRR, वेयर HT एंड HR आर हाइट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर एंड रिसीविंग टावर. और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन से आपको ये डिस्टेंस मिलेगा 65 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स. ये डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं 5 लॉजिक गेट्स हैं. शुरुआत के 2 लॉजिक गेट्स बेसिकली नॉट गेट्स हैं, उसके बाद एक NAND गेट लगा हुआ है, एक और गेट लगा हुआ है और आखिर में एक NOR गेट लगा हुआ है. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक गेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए. NAND गेट क्या करता है, NOR गेट क्या करता है, OR गेट क्या करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए. किस तरीके से सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए. एलिमेंट्री आइडिया मैं दे देता हूँ आपको. NOT गेट बेसिकली सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट कर देता है. सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 0 सिग्नल के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, ये सिग्नल को उल्टा कर देता है. OR गेट हमेशा सिग्नल्स को ऐड करने का काम करता है. 2 इनपुट्स में से कोई सा भी अगर गेट ऑन है तो आउटपुट में आपको सिग्नल मिलेगा. AND गेट 2 सिग्नल्स को का इंटरसेक्शन मिलता है. अगर AND गेट के अंदर 2 इनपुट सिग्नल्स दोनों ही ऑन है तभी आपको आउटपुट ऑन मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आउटपुट्स ऑफ मिलेंगे. तो बेसिक बुलियन अलजेब्रा से इस पूरे सर्किट के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये इक्वेशन लिखें, अगर 2 इनपुट्स हैं x एंड y, तो सबसे पहला जो आउटपुट मिलेगा 2 नॉट गेट्स के बाद वो x बार एंड y बार, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट एंड y का कॉम्प्लीमेंट. कहने का मतलब ये कि इफ x इज 0 देन विल गेट 1 एंड इफ y इज 0 देन विल गेट 1 ओवर हियर. उसके बाद में ये दोनों सिग्नल्स x बार y और यहाँ पर x और y बार प्रोसेस होंगे OR गेट पर एंड NAND गेट पर. और NAND के बाद में ये सिग्नल्स की प्रोसेसिंग के बाद में ये दो सिग्नल्स ऐड हो जाने पर x बार प्लस y मिलेंगे. NAND गेट के करस्पॉन्डिंग x y बार और उसका कॉम्प्लीमेंट. NAND गेट बेसिकली AND के बाद में एक NOR गेट लगाने से मिलता है और फिर फाइनली NOR गेट लगा देने पर इन दोनों का फाइनल सम और उसका कॉम्प्लीमेंट. ये सारा कुछ अगर आप एक बार ठंडे दिमाग से इसको प्रोसेस करें तो आपको आउटपुट 4th वाला मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जेनर डायोड. आपको मालूम है कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज करते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ये सारा का सारा करंट इससे पास होने लग जाता है, जिससे इसके पैरेलल में जो भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा रखे हैं उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता. तो एज यू कैन सी यहाँ पर आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो 120 वोल्ट और ये जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 50 वोल्ट. तो बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर 50 वोल्ट से ज़्यादा करंट कभी नहीं जा सकता, 50 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज कभी नहीं हो सकता. जैसे ही 50 वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पहुँचेगा यहाँ पर करंट
कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस आर्म में जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू आएगी वो बेसिकली 50 वोल्ट्स अपॉन ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम होनी चाहिए, और इसलिए आंसर होना चाहिए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू 10 जे कैप कॉस 6x प्लस 8z। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय, यहाँ क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालने के लिए आपको दो तीन फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले तो वो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे हम रिलेट करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, हियर दिस के वेक्टर इज 6i कैप प्लस 8k कैप। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 10, so wavelength of this particular wave is 2 pi by k, that is 2 pi upon 10 or pi by 5 meters. Moreover, amplitude of magnetic field vector is given by electric field vector upon speed of light. Also, E cross B is equal to vector C. So if you form this simple matrix, we'll get BZ and BX, Z component of magnetic field vector and X component of magnetic field vector 0.6 and minus 0.8 respectively. So the answer should be fourth one. Next question is again based on logic gates. Here we have three NAND gates and a NOR gate. All we have to do is simply calculate output for two inputs A and B. यहाँ पर ये दो इनपुट्स ए और बी जो है वो डायरेक्टली एक नैंड गेट में जा रहे हैं। ए एक दूसरे नैंड गेट में भी जा रहा है जिसको दूसरा इनपुट मिल रहा है पहले वाले नैंड गेट से, सिमिलरली बी के लिए भी, और इन दोनों ही गेट से निकल रहा आउटपुट फाइनली एक और नैंड गेट में जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप सीधे सीधे हर लॉजिक गेट के बाद बनने वाला जो आउटपुट है उसको आप लिखते चले जाएं और फाइनली बूलियन अलजेब्रा से प्रोसेस कर लें, या फिर अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपली आप ए और बी के करस्पॉन्डिंग 0001, 10 और 11 चार तरह की वैल्यूज लिख करके ट्रुथ टेबल लिख ले, जिससे आपको करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सीधे सीधे जो आउटपुट्स मिल रहे थे उनको लिख करके और मैथमेटिकल ऑपरेशन से आउटपुट लिखा है, जो आउटपुट आपको मिलता है फोर्थ वाला ए बी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 100 वोल्ट करियर वेव इज मेड टू वेरी बिटवीन 160 वोल्ट एंड 40 वोल्ट बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज बेसिकली रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव। नाउ अगर ये मॉड्यूलेटेड वेव 160 वोल्ट और 40 वोल्ट के बीच में वेरी कर रही है, इसका मतलब है सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव एंड मैसेज वेव इज 160 एंड डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव एंड मैसेंजर वेव इज 40। तो ये दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगा मैसेंजर वेव का वैल्यू एम्पलीट्यूड का 60 और वहां से आपको मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स भी मिल जाता है 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन टीवी ट्रांसमिशन टावर, ऐसा इक्वेशन हमने पहले भी देखा है, टू डबल द कवरिंग रेंज ऑफ अ टीवी ट्रांसमिशन टावर इट्स हाइट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। हमने देखा था कि टीवी ट्रांसमिशन टावर का जो रेंज होता था वो अंडर रूट ट्वाइस ऑफ, बेसिकली टीवी ट्रांसमिशन टावर का हाइट के रूट के प्रोपोर्शनल होता था। तो अगर आपको रेंज डबल करना है तो हाइट को 4 times बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर शुड बी सेकंड, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज 10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350
Kelvin is 2.8 multiplied by 10 power minus 4. Its susceptibility at 300 Kelvin is. देखिए paramagnetic material का magnetic susceptibility होता है C upon T, where C is a constant. तो अगर हम 350 degrees पर देखें तो हमें मिलेगा 2.8 multiplied by 10 power minus 4, जो कि magnetic susceptibility थी 350 degree पर. वहां से C की वैल्यू मिल जाएगी और इसको यहां पुट करने पर 300 डिग्रीज के लिए आपको ससेप्टिबिलिटी मिलेगी 3.267 इंटू 10 पावर 4. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर गिवन दैट वीबीबी सप्लाई कैन वेरी, वीबीबी यहां पर दिख रहा है, कैन वेरी फ्रॉम 0 टू 5 वोल्ट. वीसीसी इज 5 वोल्ट, बीटा डीसी इज इक्वल टू 200, RB, this particular resistance, is 100 kilo ohm, RC is 1 kilo ohm, VB, base emitter ke beech mein voltage, is 1 ohm, and the minimum base current and the input voltage at which the transistor will go to saturation will be respectively. Agar aap output circuit ke liye Kirchhoff's law apply kare, तो आपको पता चलेगा VCC माइनस बीटा IB RC इज इक्वल टू 0 और यहां से IB की आपको वैल्यू मिल जाएगी. सो द आंसर शुड बी थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय VT इज इक्वल टू 10 1 प्लस 0.3 cos 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4T into sine 5.5 into 10 power 5t. Here t is in seconds. The sine band frequencies in kilohertz are. अगर आप देखें तो ये जो equation है, this is a standard equation of amplitude modulated signal. इस equation को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये basically इस form में लिखी हुई है 1 plus m cos omega m t plus phi multiplied by a sine omega c t. Where m is modulating index, omega m is frequency, angular frequency of messenger wave, and omega c is angular frequency of carrier wave. अगर इसको आप further solve करें, ये sine वाले term को अंदर multiply करें, तो आपको ये equation expand होके इस form में दिखाई देगी. ये पहला term sine के साथ जो दिखाई दे रहा है, ये basically carrier wave की frequency है. और ये दूसरे और तीसरे टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहां पर से जो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं साइड बैंड्स. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है, जब इसका डिमॉड्यूलेशन हो रहा होता है, तो वहां पर एक फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर होता है. वो फ्रीक्वेंसी पास फिल्टर सिर्फ इन साइड बैंड्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ही अलाउ करता है. तो बेसिकली ये जो साइड बैंड्स हैं वो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं डीमॉड्यूलेशन के दौरान. तो इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करें तो बड़े आराम से आपको ये जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो 84.1 KHz और 91 KHz मिल जाते हैं, जो कि क्लोजेस्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 watt per meter square enters in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of magnitudes of electric fields and the ratio of magnitudes of magnetic fields of the wave before and after entering into the medium are respectively given by. सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि intensity होती क्या है. किसी भी जगह पर intensity basically power per unit area होता है. और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टर्म्स में बात करें तो इंटेंसिटी इज सिंपली गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी. जैसे ही कोई मीडियम चेंज होता है तो वहां पर परमिटिविटी चेंज हो जाती है और इसलिए इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है. तो किसी एक मीडियम में जे इज इक्वल टू 1/2 ई आर ई नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन एन, n is root times ER. तो ये दो इक्वेशन से बेसिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड्स का जो रेशियो मिलेगा वो 1/√n और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रेशियो मिलेगा वो √n.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के अंदर एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वोल्टेज टाइम के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है ये आपको गिवन है। इससे पहले पहले जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला पीक दिखाई दे रहा है 10 वोल्ट्स और ये नीचे वाला पीक जो दिखाई दे रहा है 8 वोल्ट्स, बेसिकली ये मॉड्यूलेटेड वेव 10 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स और 10 वोल्ट्स के बीच में वेरी कर रही है। 8 वोल्ट से कम नहीं हो रहा और 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो रहा। और इसका ये भी मतलब है कि बेसिकली जो ये एम्पलीट्यूड्स का सम है, मैसेंजर वेव और करियर वेव के एम्पलीट्यूड्स का सम, वो होना चाहिए 10 और करियर वेव और मैसेंजर वेव के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस वो होना चाहिए 8। इसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें करियर वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा 9 और मैसेंजर वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा 1। मोरओवर अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपको ये पूरा का पूरा वेरिएशन, एक ये छोटा वाला ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये जल्दी 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 जो वेरी हो रहा है 8 माइक्रोसेकंड पे, ये बेसिकली ये वाला वेरिएशन और ये 100 माइक्रोसेकंड पे ये वाला जो टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, ये करियर वेव और मैसेंजर वेव के टाइम के साथ वेरी करने वाले फैक्टर्स हैं। यहां से आपको करियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मैसेंजर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। बेसिकली ये टाइम पीरियड है करियर वेव एंड एंगुलर वेव की, तो करियर वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 2π/8×10⁻⁶, ये वाला जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और मैसेंजर वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 2π/100×10⁻⁶। ये वैल्यूज डालने पर आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायोड्स। यहाँ पर दो डायोड्स आपको दिख रहे हैं D1 and D2। The circuit shown below contains two idle diodes, each with a forward resistance of 50 ohm. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance is. इस question के अंदर ये बहुत simple question है। आपको एक forward bias में diode दिखाई दे रहा है, एक reverse bias में diode दिखाई दे रहा है। Idle diodes हैं, इसका मतलब reverse bias से कोई current नहीं जाएगा, और इसलिए answer निकालने के लिए आप simply इस battery का voltage को divide करेंगे 100 + 150 + diode D1 जो कि फॉरवर्ड बायस्ड है उसका रेजिस्टेंस मतलब 50 ओम से, और यहां से आंसर आपको मिलेगा 0.02 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 27 mW लेजर बीम हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 mm². मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है जिसका आपको पावर पता है, और वो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से वो बीम जा रही है वो गिवन है। आपको निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको पता है इंटेंसिटी होता था पावर पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ये वैल्यू हमने डिस्कस किया था 1/2 ε₀ E₀² × c में, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ई नॉट बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो वो मिलेगा 1.4 kV/m। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। सो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्यू विथ साइड 1 cm हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 20×10⁻⁶ जूल पर टेस्ला, व्हेन अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ 60×10³ एम्पीयर पर मीटर इज अप्लाइड इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, एंड दिस एम, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज 20×10⁻⁶ अपॉन वॉल्यूम। Side length of the cube is 1 centimeter, so volume in SI units is 10⁻⁶ divided by this H vector, that is magnetic intensity 60×10³. So answer should be 3.3×10⁻⁴. Thank you. तो आप लोगों ने देखा ये जो क्वेश्चंस थे ये सारे ऐसे टॉपिक्स से आए थे जो कि कॉमन टॉपिक्स नहीं होते हैं,
बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए तो हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं, यानी 12 मार्क्स, 16 मार्क्स, 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं एक पेपर में आते हैं. तो इसको हमें ध्यान रखना है. और इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द अप्रैल जेई मेन सेशन एंड द जेई एडवांस फ्रॉम द एंटायर विद्यामंदिर फैमिली. थैंक यू.